के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी यूपी में और खासकर आपके सारण मंडल में, मेरठ मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में, ये कुछ ऐसे मंडल हैं जिन मंडलों में तो मुस्लिम समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, मुस्लिम समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये साधन करना चाहती हूँ, और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी स्लाइड नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके, गठबंधन ही स्लाइड है। इसलिए मैं खासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना सावधान करना चाहती हूँ, इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये जानने के लिए मिला है, कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है हम जीते या न जीते लेकिन गठबंधन नहीं जीतना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो तो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी ने तो जगह जगह ऐसी जाति और ऐसे धर्मों के लोगों को खड़ा किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुँच गया। तो इसलिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, मैं सहारनपुर लोकसभा की सीट की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को मालूम है सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे इस कैंडिडेट का, हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है, तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था, लेकिन आप लोगों को